मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात में क्या एजेंडा था, क्या बातचीत हुई है, जो आपने कारकुन पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है उन्हें, उसके हवाले से कोई बातचीत भी हुई है? देखें जी, स्पीकर साहब के साथ परसों भी बात हुई थी, कल भी इनसे बात हुई थी कि उनको रहा करवाया जाए और उनको लाया जाए। ये सिर्फ हमारे मेंबरान की बात नहीं है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिन्होंने हमारी खातिर लाठियां खाई हैं। हम उन चाहते हैं कि उनको, बेगुनाह लोगों को ये अब फिलफौर रहा करें। हमारा ये मुतालबा भी है, और ये नहीं है कि आप 200 नामालूम लिख कर जिस जो कुछ सर उठाए उसको पकड़ के आप गिरफ़्तार कर लें। उसके लिए भी हमने किया, हमारे मुंतखब लोगों के लिए भी किया, मगर ये बड़ा आरजी सा फेज़ है। मैं आपको बताता हूँ, टाइम इज़ गोइंग टू चेंज, ये नहीं भूलते हैं। ये कोई ये मुझे बताएं कि 1985 के बाद इन्होंने किसी अपने घर के अलावा किसी को कोई ओहदा दिया है, किसी को इन्होंने कुछ कहा कि बन जाएं? ये अगर घर की है, ये अपनी असेंबली रायबंड में खुद बना लें, हमें क्या एतराज़ है? ये सर, ये बताएं कि ये जो नहीं देखें, ये आप ये आपका ये राय होगी, जो उन्होंने इस पिछले 9 माह में तकलीफें काटी हैं, अगर आपकी उनकी फोटो देख लें तो आप हैरान होंगे। जिनकी बेटी की शादी का जहाज तक जहेज तक उन्होंने उठा लिया था, आपको क्या पता है जो हमारे लोग गए हैं गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ क्या सलूक हुआ है? मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके नाखून निकाल दिए गए, जिनको बेड़ियों पे नहाकर उन्हें लटका दिया है। आप चाहते हैं कि लोग अपनी जान दे दें? हमारे लिए उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है इन उहदों के लिए। हम साहब ये बताएं कि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और ईवान में भी पहुँच चुके हैं, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? क्यों अपोजिशन का? वी कुड बी द गवर्नमेंट टुमारो। आपका पहले मुझे आपने बना दिया भाई, ये अल्लाह का निजाम है, ये मेरे रब ने, हो सकता है ये इंशाल्लाह व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रहे। अच्छा, ये बताएं कि इस ईवान को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करता देख रहे हैं आप? जो इनके रवैये हैं, मेरा तो ख्याल है काम ही लगता है। रिवायत तो यही है, रिवायत ये है, जैसे बच्चर साहब कह रहे हैं, ये 98,000 वोट के जीत कर आए हैं, और मैं इनको कह रहा था कि आप कैसे बच गए, कहते लीड बहुत थी। मैं कह 70,000 वाले भी हरा दिए उन्होंने। मुझे ये बताएं कि कहते हैं ना, मेरा कहना दिल दे रहा समुंदरों डूंगे कौन दिला दिए जाए, इनको पता है अंदर बैठे हैं। मुझे तो अंदर कल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ना हाई स्कूल की ये असेंबली में बातें हो रही हैं। कभी आपने देखा है कि गैलरी में लोग नशे में दो नारे लगा रहे हों? ये दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ये डेकोरम नहीं था उसका। अच्छा, जो राना साहब ये बताएं कि आप क्योंकि सीनियर हैं, माजी में जब आपकी हुकूमत थी हमने तब भी देखा कि 24 घंटे मैं तो यार यही अपोजिशन चाहे आप जब पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई का हिस्सा जी जी हाँ जी, क्योंकि कब्जा करना जमात पे पीटीआई का हिस्सा है ना, मैं कब्जा कर रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि मैं पहले नहीं था? नहीं नहीं, मैं आप कह रहे हैं ना, जब आप हम कह रहे हैं जब आपकी हुकूमत थी हमने तब देखा कि आपके जो मशीर आते थे 24 घंटे पहले आगाह करते थे फलां की गिरफ्तारी हो रही है। आप सियासी लोग हैं, नहीं देखें अगर देखें आप देखें कि सदर पाकिस्तान ने एक बड़ा आइनी कदम उठाया है, उन्होंने ये कहा है कि हाउस कंप्लीट नहीं है। हमने भी ये जो आइनी पॉइंट उठाया था आर्टिकल बताने के बाद, ये हाउस अभी कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीट होगा तो आप कर लें। अभी इतनी कौन सी जल्दी है? स्पीकर साहब चला रहे थे, निगरान वजीर आला साहब ने जो एक साल में किया है ये और कर लेते एक महीना, लेट देयर बी द हाउस बी कंप्लीट। सर ये बताइएगा, सदर पाकिस्तान की पीटीआई का हर बंदा तारीफ कर रहा है, तो सदर पाकिस्तान के पास ये मैंडेट भी है, किसी की सजा माफ भी कर सकते हैं, किसी को जेल में जाकर मिल भी सकते हैं, तो कौन सी चीज़ उन्हें इमरान खान साहब के साथ हरियाणा जेल जाकर मिलने से रोक रही है? ये देखें, ये दिस इज टोटली ए सेपरेट इशू, इसका हम बात आज कर रहे हैं लीडर ऑफ द हाउस की। लीडर ऑफ़ द हाउस के लिए मैं कह रहा हूँ कि हाउस कंप्लीट नहीं है। आप देखें अगर यही कह रहे हैं तो वाई नॉट के ये केपीके की असेंबली में गवर्नर साहब मिल नहीं रहे हैं, तो क्यों उसको क्यों नहीं कन्वे कर रहे हैं? अगर कौन सा राइट है इनका कि ये हमारी रिजर्व सीट्स नहीं दे रहे हैं? रिजर्व इनके पास अगर इतनी मेजॉरिटी है तो उनको आने दें, मियाँ असलम इकबाल को आने दें, अहम रशीद भट्टी को आने दें, लतीफ़ नज़र को नहीं आने दिया। ये मतलब दिस इज़ लिविंग दे आर लिविंग ए बैड टेस्ट। अब जिस तरह हमने कल इजलास किया
उनकी ख्वाहिश थी कि रात ही उनका हलफ हो जाए और रात ही सारा कुछ होने के बाद उन्होंने खाने भी बनवाए थे, मगर मेरी समझ से बाहर था। नहीं बाइकॉट सर, मेरी बात बाइकॉट का नहीं, हमने ये फील नहीं, हमने 2002 में देखा था जब एहतजाज करते थे, सारा बिजनेस कल कर लेते, हमने बतौर एहतजाज उसमें शामिल हुए हैं, हमारी रूलिंग सत्यान खान ने दे दी है, उस पर वी विल गो टू दी कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो, मगर हम ये नहीं करना चाहते। नहीं दबाव तो ये वो बता सकते हैं, मैं तो नहीं को बता सकता, मैं तो फ्लोर इतनी कर दी ना उनकी तारीफें तो आपने इतनी स्पीकर साहब की कर दी। जी जी वो कर दी, अब आप उन्हें कुछ ना कुछ तो कसूरवार ठहराए कि अगर वो अपनी बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, जाने दें आप जब। थैंक यू वेरी मच।